Welcome to the SAP ABAP training program. This is the third video on the architecture of SAP system where we discuss about the work process. As you know, the work process, there can be many number of work process and all the work process has a common structure. Inside the work process, we have screen processor which connect with the user through ABAP dispatcher. We have ABAP interpreter or ABAP processor, you can say ALU, whatever. ALU, no? ALU is in the CPU, but ABAP processor in the SAP system. And we have a database interface. Database interface ka kaam kya? This will connect with the database and this will be interface with the application layer and the database layer. It has got an internal memory, as any work process must have an internal memory to process the data. So it has got a screen processor. The screen processor, how it works. So dispatcher first connect the input with the work process. Now once the screen processor take over the with the GUI or with the user, it relieve the dispatcher and it directly connect with the user. Screen processor directly ek directly wo user ke saath connect ho jata hai. To screen processor kaise kaam karta hai? किसी भी यूजर को कोई भी डेटा देने के लिए फर्स्ट उसको एक बॉक्स दिखना चाहिए जहां पर वो वैल्यू पुट करे और उसके बाद एक लॉजिक दिखना चाहिए जहां पर वो लॉजिक लिख सके, प्लस माइनस जो भी हो लॉजिक लिख सके। सो स्क्रीन प्रोसेसर का काम है उसको बॉक्स दिखाना जहां पर वो वैल्यू लिखेगा और उसके बाद एक लॉजिक दिखेगा, लॉजिक को वहां पर वो प्रेस कर सकता है कि यहाँ पर प्लस करना है या माइनस करना है। उसके बाद उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने का काम है ABAP प्रोसेसर का। ABAP प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उसको डेटा इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस में भेजा, डेटाबेस के बाद थ्रू डेटा इंटरफेस अगेन वो वर्क प्रोसेस के बाद स्क्रीन प्रोसेसर के थ्रू GUI के पास आया और ये बताया कि आपका रिजल्ट 8 है। उसी चीज को देखें, स्क्रीन के दो हैं, एक्चुअल इनपुट मास्क एंड फ्लो लॉजिक। बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल मॉड्यूल्स। कॉल मॉड्यूल्स के अंदर कौन सा कॉल मॉड्यूल चूज करना है, स्क्रीन प्रोसेसर का काम है। स्क्रीन प्रोसेसर विल चूज विच कॉल मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड, देन ABAP प्रोसेसर विल एग्जीक्यूट दैट कॉल मॉड्यूल एंड इट विल कनेक्ट टू द डेटाबेस इंटरफेस। नाउ द डेटाबेस इंटरफेस इज अ कनेक्टर बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द डेटाबेस लेयर। तो ये कनेक्टर कनेक्शन की तरह काम करता है एंड इट विल कनेक्ट द एप्लीकेशन लेयर विद द डेटाबेस लेयर एंड इट आल्सो कंट्रोल्स द बफर मैनेजमेंट। मतलब जो भी कोई काम एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर के साथ होता है वहां पर डेटाबेस इंटरफेस उसको मैनेज करता है। इसीलिए डेटाबेस में जो भी एलिमेंट्स हैं लाइक डेटाबेस टेबल है, रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स है, बफर है, ट्रांजेक्शंस है, बफर एडमिन है, ट्रांजेक्शंस है और ABAP डिक्शनरी है, तो ये सारे जो भी इसमें डेटा है ये सब एप्लीकेशन लेयर में थ्रू डेटाबेस इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर हो गया डेटाबेस इंटरफेस के कुछ पार्ट्स, जैसे कि डेटाबेस डिपेंडेंट लेयर, नेटिव SQL, ओपन SQL, बफर मैनेजमेंट, टेबल बफर। तो इसके काम क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया डेटाबेस टेबल बफर। जैसे हम बताएं कि वर्क प्रोसेस के पास एक बफर होता है जिससे कि काम वो जल्दी कर सकता है। तो बफर दो जगह होते हैं, एक है शेयर्ड वर्क प्रोसेस मतलब शेयर्ड मेमोरी और एक है करंट वर्क प्रोसेस जो कि वर्क प्रोसेस में इंटरनल मेमोरी होता है। तो इंटरनल मेमोरी में वो रख सकता है और शेयर्ड मेमोरी रखने के लिए तो उसको बफर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बफर मैनेजमेंट क्या है, डेटा इन द वेरियस बफर इज सिंक्रोनाइज्ड एट सेट इंटरवल। तो बफर मैनेजमेंट क्या करता है कि जो भी डेटा बफर में है उसको डेटाबेस के साथ बीच बीच में इंटरवल में वो सिंक्रोनाइज करता है ताकि वो डेटा यहाँ पर अपडेट हो सके। इसीलिए जब हम कोई भी काम बफर से करते हैं वो डेटा अगर वो बार बार चेंज होता है तो हम उसको बफर में ना यूज करें। अगर कोई भी डेटा जो फिक्स डेटा है लाइक स्टूडेंट का एक डेटाबेस है, एज हाइट जो भी है वो अगर फिक्स डेटाबेस है तो हम उसको लेकर अगर कोई भी कैलकुलेशन करते हैं वो हम बफर में डाल सकते हैं जिसका चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरवल थोड़ा सा कम हो। तो डेटाबेस डिपेंडेंट लेयर जो यहाँ पर होता है, डेटाबेस डिपेंडेंट लेयर इसका काम क्या है, ये काम होता है कि डेटा इंटरफेस जो पहला वाला वर्क प्रोसेस है
वर्क प्रोसेस वन ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया तो बाकी जो वर्क प्रोसेस है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट ना हो. इट हाइड द डेटाबेस सिस्टम फ्रॉम अदर डेटाबेस इंटरफेस. तो डेटाबेस के अंदर जैसे हम देखें नेटिव एसक्यूएल, नेटिव एसक्यूएल के तीन पार्ट होते हैं. ओपन एसक्यूएल जो कि डेटा मैनिपुलेटर लैंग्वेज DML होता है जो कि हम रीड कर सकते हैं और उसमें जो भी एडिट का काम कर सकते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं. और क्या होता है नेटिव एसक्यूएल के अंदर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL. तो ये दोनों चीज़ अगर हम ना यूज़ करें तो भी चलेगा क्योंकि ABAP का अपना एक ABAP डिक्शनरी होता है और ऑथराइजेशन सिस्टम होता है. ABAP DDL और DCL को यूज़ नहीं करता, ABAP डिक्शनरी से यूज काम चलाता है और ऑथराइजेशन सिस्टम अपना यूज़ करता है और नेटिव एसक्यूएल की जगह वो ओपन एसक्यूएल यूज़ करता है यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. और इसका काम क्या होना चाहिए डेटा इंटरफेस का, मैनेजिंग द बफर विद द डेटाबेस. तो डेटाबेस में जो भी बफर है उसको अगर हम एप्लीकेशन लेयर में, जैसे हमने बताया कि डेटाबेस से कोई भी डेटा को हम एप्लीकेशन लेयर में ला सकते हैं, उसमें एक बफर होना चाहिए, उसको बफर को मैनेज करने का काम डेटाबेस इंटरफेस का होता है. तो यही डायग्राम हम लोग पहले देखे थे कि स्क्रीन प्रोसेसर का काम क्या हुआ, देन ABAP प्रोसेसर, यहाँ पर वैल्यूज लिए, यहाँ पर वैल्यूज में लॉजिक भी डिसाइड किया स्क्रीन प्रोसेसर में, देन ABAP इंटरप्रेटर एंड ABAP प्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट किया, देन डेटा इंटरफेस के थ्रू वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहा और फिर वहाँ पर जो बफर मैनेजमेंट है वो देखे उसकी डेटाबेस इंटरफेस में एक बफर मैनेजमेंट के लिए भी है वो क्या है, तो वो चीज़ हमने देखे. और इसके साथ हम इसके डिफरेंट वर्क प्रोसेस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई की. और अभी हम देखेंगे कि ये डिस्पैचर में जो वर्क प्रोसेसेस होते हैं वो पांच तरीके हो सकते हैं, डायलॉग वर्क प्रोसेस, अपडेट वर्क प्रोसेस, बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस, एनक्यू वर्क प्रोसेस, स्पूल वर्क प्रोसेस. यूनिक एनक्यू वर्क प्रोसेस और स्पूल वर्क प्रोसेस एक एक होते हैं और बाकी डायलॉग वर्क प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं, अपडेट बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं. इनके स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे हमने पढ़ाई किया था, डायलॉग वर्क प्रोसेस एक ही स्ट्रक्चर है और बट डायलॉग वर्क प्रोसेस काम क्या है, एग्जीक्यूट डायलॉग स्टेप्स. तो अगर स्टेप्स हो कोई भी कमांड दिया गया हो उसको एग्जीक्यूट करने का काम है डायलॉग वर्क प्रोसेस. अपडेट वर्क प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूट डेटाबेस अपडेट रिक्वेस्ट यूजिंग लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क. तो अगर बहुत सारे डायलॉग वर्क प्रोसेस हैं उसको अपडेट एक के बाद अपडेट करके एक बैच प्रोसेसिंग की तरह वो अपडेट करता रहता है. बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस है रन विदाउट यूजर इंटरेक्शन, तो वो बैच कर दिया और फिर वो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस में वो काम करता गया. तो यहाँ पर वो सारे डायलॉग वर्क प्रोसेस में कमांड लिए उसको बैच के बैच करके अपडेट करता रहा और बैकग्राउंड में ये काम करता रहा. एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिकल टेबल, मतलब एनक्यू वर्क प्रोसेस क्या होता है कि वो एक लॉक की तरह काम करता है लॉजिकल टेबल. तो वो जहाँ पर वो जिस वर्क प्रोसेस काम कर रहे होते हैं उनको किसी और वर्क प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट ना हो, मतलब और कोई यूजर उसको उस समय यूज़ ना कर सके, इसलिए वो लॉजिकल एक लॉक की तरह काम करता है और उसको यूज़र के साथ डायरेक्टली वर्क प्रोसेस साथ डाटाबेस के साथ कनेक्ट रखता है. और स्पूल वर्क प्रोसेस सिक्वेंशियल डेटा सेट टू अ प्रिंटर, तो अगर हम बहुत सारे कमांड दें तो वो सीक्वेंशियली एक एक करके उसको प्रिंटर में देने में काम करता है. तो दिस ऐसे हमें स्पूल वर्क प्रोसेस काम आता है. सो ये सारे कनेक्टेड होते हैं डिस्पैचर के साथ. तो यूजर इनपुट के डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्या इनपुट है तो उसको उस वर्क प्रोसेस में भेजा जाता है. थैंक यू वेरी मच.